Hey everyone, this is Priyaranjan and you are watching me at Put Down Physics for All. और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो भी कैसा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कल की क्लास में हमने देख रखा है ना वेक्टर, एक्चुअली हम लोग जो लोग नहीं थे अब्सेंट उनके लिए मैं बता दूँ कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। और वेक्टर अगर इसके पहले एक चैप्टर की बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट हमने पढ़ा है, वो चैप्टर दूसरे किसी चैप्टर से लिंक नहीं करता है, लेकिन वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर से लिंक करता है। मोशन अगर बुरे लेवल की हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब उष्मा गतिकी और इलास्टिसिटी को हटा दिया जाए तो हर एक चैप्टर में आपका वेक्टर इन्वॉल्व है, हर एक चैप्टर में वेक्टर आएगा। इस बात को ख्याल रखते हुए आप इस बात का ख्याल रखते हुए पढ़ाई वेक्टर का बहुत अच्छे से करेंगे और वेक्टर को जब भी पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे पूरे याद याद नहीं रखिएगा, फिर आउटकम आपका क्या हो जाएगा? जीरो। आउटकम जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। प्रॉपर ढंग से आपको क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा क्लियर। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई वेक्टर है तो सर हम कैसे समझेंगे कि वेक्टर है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन। कल की क्लास में हमने देखा था कि इसका अलजेब्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन, निरूपण, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल। ग्राफिकली हम कैसे, अब ग्राफिकली इसका नाम क्यों पड़ा या पिक्टोरिकली नाम इसका क्यों पड़ा या फिर ज्योमेट्रिकली नाम क्यों पड़ा। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं या नहीं? यस सर। एरो हम कहां पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में, कहीं और? ज्यामिति में, कहीं और? ज्यामिति में। तो रे या एरो या लाइन सेगमेंट ये सारा चीज ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को बड़े एरो के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इस वाले पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं हेड। क्या नाम देते हैं? हेड। और इस वाले पोर्शन को नाम देते हैं टेल, और बीच वाले पोर्शन को नाम देते हैं बॉडी, और तीनों का तीन मतलब बनता है। बॉडी बताता है मैग्नीट्यूड को, बॉडी बताता है किसको? मैग्नीट्यूड को। दो एरो खींच रहे हैं, है ना? अगर ए 100 न्यूटन है तो अगर मैं पूछूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर मैं पूछूं कि कौन सा वेक्टर में अमाउंट ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप क्या बताएगा? सागर जायसवाल, देखें आप इधर, अभी लिखे नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा है, अभी बोर्ड पे देखिए सर। तो अगर मैं पूछूं कि ऊपर वाला वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड, लेंथ, जिसकी लंबाई, जिसका परिमाण, जिसकी मात्रा 100 न्यूटन है, कितना न्यूटन है? 100। तो बी का कितना होगा, 100 से कम होगा या 100 से ज्यादा? तो आप क्या बताइएगा? 100 से कम। क्या बताइएगा? 100 से कम। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है। बोलो, कम है। दैट्स व्हाई हम लोग इसका लेंथ का क्या बोलेंगे, इसको 100 से। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मात्रा है वेक्टर बी की, 100 न्यूटन से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो बॉडी आपको बताएगा अमाउंट को, मात्रा को। इसको अमाउंट को, मात्रा को कौन बताएगा? बॉडी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सर ये टेल क्या बताएगा, फिर हेड क्या बताएगा? तो हेड बताएगा डायरेक्शन को। हेड किसको बताएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन आ रहे कैमरे में नहीं? यस सर। डायरेक्शन बोले तो दिशा, डायरेक्शन बोले तो दिशा। कौन बताएगा? एरो, हेड। एरो हेड जो है, या एरो का जो तीर की जो शिखा है, हेड है, अग्रभाग है, तो क्या बताएगा? डायरेक्शन, दिशा। और पीछे वाला भाग सर किसके काम आते हैं? तो एंगल फाइंड आउट करने के। किसमें हेल्प होता है? फाइंडिंग द एंगल, फाइंडिंग द एंगल मतलब कोण ज्ञात करने में, कोण ज्ञात करने में, क्या ज्ञात करने में? कोण ज्ञात करने में। क्या फाइंड करने में टेल काम आता है? तो किसी भी वेक्टर को हम लोग, किसी भी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एरो के थ्रू सर, एक तीर के थ्रू, जिसको हम लोग रे या किरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रे और किरण। इसमें सब तीन पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? तीन। एक को बोलते हैं हेड, पीछे वाला को बोलते हैं टेल, और बीच वाले को बोलते हैं बॉडी। तीन चीज, तीन चीजों को इंडिकेट करता है सर। बॉडी बताता है लेंथ को, मैग्नीट्यूड को, मात्रा को। लेंथ ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड
ज्यादा होगा, लेंथ कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, ओके। और ये जो हेड वाला पोजीशन है जिसको हम लोग दिशा बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड, एरो हेड बोलते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, दिशा को, डायरेक्शन को। मान लीजिए एक वेक्टर हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब बनता है कि वेक्टर किधर है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब इस वाले में बताइए किधर डाउनवर्ड, इधर राइटवर्ड, इधर लेफ्टवर्ड। तो जो एरो का हेड है क्या है, एरो का हेड, एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, दिशा को, कौन, एरो हेड। अच्छा बीच वाला जो पार्ट है जिसको बॉडी बोल रहे हैं वो मात्रा बताएगा, जिसको इंग्लिश बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड का असली मतलब समझ में आना चाहिए कि हम कहें कि देखो तुम्हारा लेंथ का मैग्नीट्यूड कम है और इसके लेंथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब तुम लंबाई में उससे कम हो, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ पहाड़ सा नहीं समझ लेना, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ होता है अमाउंट, मात्रा, किसी बॉडी में किसी चीज में कितना अमाउंट में, कितनी मात्रा में, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो बीच वाला क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। और पीछे वाला एंगल निकालने के काम आता है, किसके काम आता है, एंगल निकालने। तो अगर आपसे पूछे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप कहेगा कि सर ग्राफिकली एरो या तीर, क्या क्या, एरो या तीर अथवा रे के द्वारा, किरण के द्वारा, किसके द्वारा, रे या किरण के द्वारा, ग्राफिकली कैसे कैसे, एरो, तीर या किरण या रे के द्वारा हम लोग किसी भी वेक्टर को निरूपित करते हैं, जिसमें तीन पार्ट होता है, हेड दिशा बताता है, बॉडी मैग्नीट्यूड बताता है, और टेल एंगल फाइंड करने में, कोण प्राप्त करने में काम देता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का, तो आप क्या बताइएगा, सर एक एरो जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका, वेक्टर का, या एरो को हम लोग रे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रे, मैथ्स में रे, किरण पढ़ते हो ना, जिसका एक क्या हो, निश्चित बिंदु हो, और एक निश्चित बिंदु नहीं हो, एक पता नहीं उसे एंड पॉइंट किधर है, इसीलिए किरण बोलते हैं। देखिए तो इसमें निश्चित बिंदु है या नहीं, फिक्स पॉइंट है, आगे वाला का पता नहीं कहाँ है, तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको किरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो हेडिंग आप डालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए आप लोग, लिखा जा चुका है, आप लोग इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आते हैं और कुछ चीज़ों के साथ। चलिए हम आपको एक साल पीछे ले चले तुझे, 10th क्लास में जब ग्राफ आप पढ़ते थे, एरो के सर में नहीं ले चलेंगे, वहाँ ले चलेंगे ग्राफ के सर, ग्राफ पढ़ते थे। यस, ग्राफ अगर पढ़ते थे तो अगर आपको ग्राफ पेपर याद होगा तो हर एक खंड वर्गाकार होता था, नहीं? Yes, sir. नहीं होता था जी। Yes, अच्छा, इस ग्राफ पेपर पर कुछ लिखा रहता था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ हो, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी लिखा रहता था? No, नहीं ना, हम लोग इसको x एक्सिस मान लेते थे। Yes, sir, yes, sir. और इसको y एक्सिस, याद है कभी हम जनसंख्या बताते थे तो यहाँ लिखते थे ईयर 1990 से 1995 तक लिखते थे। महामारी आया, कोरोना घट गया है, फिर इस दैट, अरे होता था ग्राफ की नहीं। अच्छा ये तो लंबाई है, लेकिन आप उसको समय में बदल दिए कि नहीं बदल दिए? Yes, नहीं बोल रहे। Yes, और ये तो ये भी लंबाई है, इसको जनसंख्या में बदल दिए कि नहीं बदल दिए? Yes, तो ग्राफ का एक खासियत होता है कि ग्राफ में एक्स और वाई में ये चीजें फिक्स नहीं होती है कि वो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कि जनसंख्या है, कि समय है, कि किलो मतलब द्रव्यमान है, क्या है, ये चीजें फिक्स नहीं है। हमको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हम उस एक्स एक्सिस पर हम कभी समय भी दर्शा सकते हैं, कभी हम लंबाई भी दर्शा सकते हैं, कभी हम बल भी दर्शा सकते हैं, कभी हम किलोग्राम मतलब द्रव्यमान या मास भी दर्शा सकते हैं, कभी आयतन भी दर्शा सकते हैं।
बनाते थे कि नहीं इस तरह का ग्राफ, याद है या नहीं है? इसको तुम ग्राफ पेपर पर बनाते थे, अगर याद थोड़ा बहुत हो तब, आप याद है x बराबर y बराबर 10x plus 5 this that करके इसको भी स्ट्रेट लाइन पर खींचता था, खींचता था कि नहीं? तो अगर मान लीजिए वहां पर अगर हम f बराबर 20 f बराबर 20x plus 50 ऐसे लिखेंगे, तो तुम y एक्सिस पर एक y मानेगा कि f मानेगा? y एक्सिस पर फोर्स होगा कि y होगा? फोर्स होगा। और x एक्सिस पर क्या होगा? x होगा। समझे कि नहीं? अभी हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है टाइम पर डिपेंड कर रहा है 20t plus 30। अब 20t plus 30 अगर आप कह रहे हैं, तो अब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो नीचे x लिखेंगे कि टाइम लिखेंगे? होगा टाइम। तो अब बताइए अगर हम कहें कि इस x एक्सिस पे 5 सेकंड के दूरी पर है एक पॉइंट आया, इसको 2.5 और इसको मानिए 5 सेकंड। अब बताओ तो तुम कहोगे नहीं सर दूरी कहीं सेकंड में होता है, लेकिन ग्राफ में होता है। क्या होता है? ग्राफ में जो लेंथ होता है वो लेंथ एक्चुअली नहीं होता, यूनिट होता है। जब हम एक वर्ग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्ग की। हम मानते हैं ग्राफ में जो ऐसे ऐसे वर्ग करके बना रहता है ना जी, हम मानते हैं कि एक वर्ग का जो है एक स्क्वायर का जो लेंथ है हो सकता है एक सेकेंड का हो सकता है एक न्यूटन का हो, कुछ भी हो सकता है, समझे? इसलिए आपको जो एरो बताया गया है, क्या बताया गया? एरो। ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं हम एक ग्राफ खींचते हैं, इस ग्राफ में हमारा एक्स न्यूटन, एक्स क्या है जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ में हमारा एक्स एक्सिस पर बल लिया गया है कि कुछ और बल लिया गया है? मान लेते हैं एक खंड 10 न्यूटन का है, एक खंड कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरो खींच लेते हैं, तो आप इस एरो की लंबाई एक का एक खंड कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का। 10, 20, 30, 40, 50। तो बताइए इस एरो को आप कितना न्यूटन, हम पूछे इस एरो मतलब इस तीर की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहिएगा? बोलो 50 मीटर। कहेंगे 50 न्यूटन। मतलब 50 एरो लेंथ, तीर की लंबाई एरो लेंथ, तीर की लंबाई बोलिए कितना हो गया? तीर की लंबाई 50 न्यूटन। बातें समझ में आई? हमने आपको क्या बताया कि देखिए एक कॉन्सेप्ट दिया कि जरूरी नहीं है कि लेंथ हमेशा मीटर में हो, क्योंकि हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफ। और ग्राफ में तो एक्स एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, तो कभी लेंथ भी हो सकता है, कभी फोर्स भी हो सकता है, कभी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस चैप्टर में जब एरो लेंथ कहेंगे तो मतलब खाली मीटर नहीं समझना है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन भी हो सकता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, जितना भी वेक्टर राशियां हैं, कौन सी राशियां? वेक्टर या सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, सबका यूनिट हो सकता है, किसी एक में नहीं, किसी एक के लिए नहीं। इतना क्लियर? मैंने क्या बताया कि आप जो एरो लेंथ 100 न्यूटन लिखे थे, मतलब एक ऐसा तीर खींच रहे थे जिसमें इसकी लंबाई के दोगुना था इसकी लंबाई, इसलिए हम लोग उसको कितना न्यूटन कह रहे थे? 100 न्यूटन। क्लियर है या नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत नो सर? नहीं बोल रहा है सागर शुक्ला? सही है, सब सही है ना? एनर्जी में टाइट। चलिए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और मोर अप्रिशिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और वीडियो वेक्टर्स पे या हिंदी मीडियम वालों के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं, वेक्टर हुए, मोशन हुए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हुए, मतलब न्यूटन के नियम हुए, ये सारा चीज़ सारे पर मैं आपको ला सकूँ वीडियो, और आप इसको इंजॉय कर पाए, देख पाए, या जो चीज़ों को है बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आपको क्या करना है? शेयर। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर।